हिंदू ग्रंथां विच मनुख नूं भोजन करदिआं कुछ बहुत ही जरूरी नियम दसे गए ने। जे मनुख इन्हां नियमां दा पालन करदिआं भोजन करदा है तां उस नूं सुख समृद्धि ते कामयाबी प्राप्त हुंदी है। हिंदू धर्म दे नाल नाल विज्ञानिक दृष्टि नाल वी वेख्या जाए तां इह नियम पूरी तरह सही ने। तां आओ फिर जाणीए कि उह किहड़े नियम ने जिन्हां नूं ध्यान विच रखणा बहुत जरूरी है। सब तो पहली गल, भोजन करन तो पहलां ये पांच अंग, दो पैर, दो हाथ ते मूँह, इन्हां नूं चंगी तरह धो के ही भोजन करना चाहिए। भोजन करन तो पहला धन गुरु नानक देव जी का शुकराना जरूर करो ते सारे जीवां नूं भोजन मिले, कोई भुखा ना सौवे, ये अरदास जरूर करो। भोजन तैयार करन वालियां बीबियां भी इशनान करन तो बाद बड़े ही शांत सुभा नाल मूल मंत्र का जाप करदे आ भोजन तैयार करन। ते सब तो पहली रोटी किसी गां जां कुत्ते नूं पाउणी चाहीदी है। उस तो बाद सारा भोजन तैयार करके सारा परिवार एक थां ते बैठ के भोजन छके। इस नाल परिवार विच प्यार वधदा है, खुशियां बनियां रहिंदियां ने। दूजा, पति पत्नी एक थाली विच ही भोजन छकण तां उहनां दा रिश्ता होर भी ज़्यादा मजबूत बन जांदा है। कलेश लई कोई जगह नहीं बचदी ते जिथे कलेश नहीं उथे बरकत पैसा कदे भी खत्म नहीं जे हुंदा। इसलिए कोशिश करो कि जदों भी भोजन करना पति पत्नी नाल बैठ के एक ही थाली विच करना। इस तरह घर दी लक्ष्मी भी खुश रहेगी ते खुशियां भी घर विच बनियां रहणगियां। जिवें कि कहा जांदा है कि एक सियाणी ते समझदार औरत ही घर नूं स्वर्ग बनाउंदी है, पर उस औरत दे भी कुछ अपने सुपने हुंदे ने, इच्छावां हुंदियां ने, जिन्हां नूं पूरा करना भी एक पति दा काम हुंदा है। इसलिए जे पति अपनी पत्नी नाल एक थाली विच भोजन करेगा तां पत्नी लई इस तों वड्डी खुशी दी गल नहीं होवेगी। उसदी दिन भर दी थकान दूर हो जावेगी। जदों पति उसदे कोल बैठेगा, उस नाल भोजन करेगा,